सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर आज हम आपके इस प्लांट की विजिट के लिए आए हैं, ये आपका एक सोलर पावर प्लांट है, तो सर हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। सर आप बताइए सर हमें इस प्लांट के बारे में कुछ। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 120 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट हमने सिपानी वुलन मिल्स पे इंस्टॉल किया है। और इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम बीकानेर के अंदर हमने FRP गेटवे का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि जो वॉकवेज यहाँ पे बने हैं, जैसा कि ये टिन शेड जो था वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था, तो यहाँ पे हमने ये FRP लाइंस का उपयोग किया है। और FRP को फिट करने के लिए यहाँ पे एक अलग तरीके की चैनल डिज़ाइन की गई, सी चैनल, जो कि हमने खुद ने मैन्युफैक्चरिंग की इसकी, और उसके ऊपर इस प्लांट को पूरा रनवे तैयार किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा प्लांट जो है वो अपने रनवे पे चलता है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जब भी हम यहाँ पे प्लांट की साफ सफाई के लिए जब हमारी टीम आती है, तो आप टिन शेड के ऊपर उसका बिल्कुल पावर प्रेशर नहीं आए, किसी भी तरीके का दबाव नहीं आए, और बिना किसी दबाव के आप वॉकवे पे चल के पूरे प्लांट की अच्छे से क्लीनिंग कर पाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमने जैक्सन के मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया है। 330 वॉट का एक मॉड्यूल्स है यहाँ पे, और लगभग 364 मॉड्यूल्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत अच्छी पावर जनरेशन दे रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि वेदर काफ़ी क्लाउडी है यहाँ पे, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी पावर जनरेशन अभी भी इस सिचुएशन में भी निकल रही है। एक और इसमें आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि अक्सर यहाँ पे जो प्लांट्स इंस्टॉल होते हैं तो वहाँ पे LA सिस्टम को लेके बहुत ही नेगलिजेंसी हम लोग देखते आए, लेकिन इस प्लांट में हमने सेफ्टी मेजोरिटी को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दिया। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक LA लगा है, जो कि PSC LA लगा हुआ है। इस LA का 110 मीटर का रेडिएशन है, उसको 3 अर्थिंग के साथ में उसको कनेक्टेड किया गया है, ताकि किसी भी सिचुएशन में अगर किसी भी तरीके का कोई अगर बिजली गिरता है, तो आपके एक अर्थिंग फेल होती है तो दूसरी अर्थिंग, दूसरी फेल होती है तीसरी अर्थिंग, तो 3-3 अर्थिंग के साथ में इसका कॉम्बिनेशन किया गया। 3 मीटर्स की कॉपर अर्थिंग के साथ में इस LA को इस्टेब्लिश किया गया है, तो हर एक पैरामीटर्स को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे हमने जो इन्वर्टर का इस्तेमाल किया है, जो कि मेरा वन ऑफ द बेस्ट और फेवरेट इन्वर्टर है, और मैं उस इन्वर्टर के साथ में बहुत कंफर्ट फील करता हूँ। तो ये बेसिकली इन्वर्टर जो है, आप देख सकते हैं कि SMA का Core 1 इन्वर्टर है, SMA Core 1, जो कि पूरा जर्मन बेस्ड इन्वर्टर है। यहाँ पे पूरा उनको सेपरेट सनी पोर्टल अवेलेबल करा गया है। अगर आप सनी पोर्टल पे जाएंगे तो सनी पोर्टल के अंदर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको सिर्फ 2 ही प्लांट दिखाएंगे। जब आप गूगल पे जाके उसको देखेंगे या सनी पोर्टल की वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे, तो आपको 2 ही प्लांट जो है वो सनी पोर्टल की वेबसाइट पे दिखाएंगे। पहला पार्ट प्लांट जो है वो मैसर सिपानी वुलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का दिखाएगा, दूसरा बिहानी वुलन मिल्स का। तो मुझे ये खुशी है कि दोनों ही प्लांट जो है वो हमने इंस्टॉल किए। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे एक सेफ्टी लाइन का उपयोग किया गया है। ये सेफ्टी लाइन लगी हुई है पीछे पूरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा अगर इसको देखेंगे तो ये सेफ्टी लाइन लगेगी। सेफ्टी लाइन बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा हमारा प्लांट है वो एक स्लोप में है, ये 10 से 12 डिग्री का एक स्लोप बना हुआ है इस प्लांट के ऊपर, तो यहाँ पे ये सेफ्टी लाइन लगाई गई है। इस सेफ्टी लाइन का फायदा ये रहता है कि जब भी आपके ONM की जो टीम है हमारी, जब भी हमारी क्लीनिंग की टीम है, वो जब इस प्लांट के ऊपर आएगी तो वो एक सेफ्टी बेल्ट के साथ में इसको अटैच होकर वर्क करेगी, ताकि अगर कोई भी तरीके का अगर पैर वगैरह उनका स्लिप होता है तो कोई भी तरीके की दुर्घटना होने के चांसेस नहीं रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एस्ट्रल का पाइप यूज किया गया है, PVC पाइप है ये पूरा एस्ट्रल कंपनी का, हाई कैपेसिटी के साथ में, और इस पूरे प्लांट में इसकी फिटिंग की गई है ताकि प्लांट को वॉशिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वहाँ पे आप देख सकते हैं बूस्टर सिस्टम लगाया गया है, जिसके थ्रू पूरा सप्लाई क्या है कि वाटर की पूरी लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट होती है। साथ ही आप देख रहे होंगे कि एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे को ये आ रही थी कि जब हम इसकी वॉशिंग कर रहे थे तो नीचे पानी काफ़ी हद तक गिर रहा था, तो नीचे यहाँ पे जो प्लांट ऑनर है उनकी लेबर्स वगैरह यहाँ रहती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, अभी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। उस कंडीशन में क्या होता था कि ये, आइए मैं आपको बताता हूँ, पे हमने जो बनाए हैं ये टिन शेड यू इस त्रिभुज की शेप में था, तो यहाँ पे जब चलना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो यहाँ पे एक स्पेशल डिज़ाइन किया गया ताकि इस टिन शेड को थोड़ा सा टिन शेड के ऊपर लिया जाए, ताकि वॉकवे के दौरान जब यहाँ पे आप रन करें तो आपको किसी तरीके की असुविधा नहीं हो। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी आप यहाँ पे जैसे चल पा रहे हैं आराम से, किसी भी तरीके का टिन शेड के ऊपर कोई दबाव नहीं आ रहा, और बहुत अच्छा नज़ारा है। पार्टी ऑनर ने यहाँ पे देखिए काफ़ी ग्रीनरी कर रखी है, वो खुद काफ़ी ग्रीनरी को पसंद करने वाले लोगों में से हैं, और उस ग्रीनरी
प्रोजेक्ट से ही उन्होंने क्या है कि एम्पायर होके उन्होंने ये सोलर सिस्टम को अपनाया ताकि रिन्यूएबल एनर्जी पे और ज़्यादा हम बढ़ावा दे सकें। आइए मैं अब आपको एक चीज और आपको इस प्लांट की जो विशेषता है वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हमने जैसा कि जब ड्यूरिंग द वॉशिंग ऑफ द प्लांट तो कई बार पानी जो था वो बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है तो पानी नीचे जाता था, लेबर यहाँ पे वर्क करती रहती है तो नीचे पानी की काफ़ी गंदगी होती थी, तो हमने एक सिस्टम बनाया कि क्यों ना इसी पानी को वेस्ट होने से बचाया जाए। जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे दिखा है कि यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, तो वो जो पानी जो वॉशिंग के लिए यूज़ होता है उसके लिए हमने एक पूरी ड्रेनेज लाइन अलग से बना रहे हैं और ये पूरी ड्रेनेज लाइन के माध्यम से जो पानी है वो पीछे एक टैंक बना रहे हैं, उस टैंक में जाके मिलेगा और उस टैंक के थ्रू पूरी ग्रीनरी जो यहाँ पे लगी हुई है उसमें उस पानी का यूज होगा। तो हमने वाटर रिसोर्सेज का भी पूरा ध्यान रखा है ताकि क्लीनिंग के दौरान जो पानी जो वेस्ट होता है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। आप देख सकते हैं कि कितना मजबूती से ये काम किया जा रहा है। नॉर्मली आप देखेंगे तो इस तरीके के जो इनको बेसिकली हमारे मारवाड़ी में परनाना बोलते हैं, तो ये परनाली जो होती है ये बेसिकली इस टाइप की शेप की नहीं बनती है, इसे हमने खुद ने डिज़ाइन किया। मैं आपको मिलाना चाहूँगा हमारे फैब्रिकेटर इंजीनियर से, उस्मान जी प्लीज मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे जो फैब्रिकेटर इंजीनियर है जिन्होंने पूरा इस प्लांट के स्ट्रक्चर का डिज़ाइन किया और ये भी इन्हीं की डिज़ाइन है, ये है उस्मान जी। उस्मान जी बताइए आपको प्लांट के दौरान कैसे कैसे सारे एक्सपीरियंस रहे इसके बारे में, ये कैसे हमने डिज़ाइन किया सारा। ये डिज़ाइन जो है वो पूरा हम लोगों ने बैठ के सारा इसको किया और इनका ये था कि पानी जो है वो कई बार स्पीड में आता है तो बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इसकी हाइट स्लाइटली हमने ओवर ली ताकि जो पानी है वो बाहर की तरफ नहीं जाए, पूरा का पूरा पानी एक साथ कलेक्ट होकर एक लाइन के थ्रू एक स्टोरेज सिस्टम में चला जाए, वहाँ से एक टैंक में चला जाएगा जहाँ से हम जो ग्रीनरी इस एरिया में यूज़ हो रही है उस ग्रीनरी में वो पानी यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। आइए मैं आपको थोड़ा प्लांट और विजिट करवाता हूँ। आइए सारा वॉकवे सिस्टम हर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये 15-15 मॉड्यूल्स की दो स्ट्रिंग पैरेलल चल रही है साथ में और दोनों स्ट्रिंग के बीच में एक वॉकवे स्टेब्लिश किया गया है ताकि जो क्लीनिंग वाला बंदा है तो वो वहाँ तक और यहाँ तक हमने एक सिस्टम डिजाइन कर रखा है क्लीनिंग का, उस पूरे क्लीनिंग सिस्टम से वो इसकी प्रॉपर साफ सफाई कर सकता है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा एक ग्रीनरी हाउस इन्होंने बना रखा है, तो ये जो ग्रीनरी हाउस है इसका पूरा इसमें जो पानी का यूटिलाइजेशन होगा वो इसी सिस्टम में जो पानी क्लीनिंग के दौरान यूज़ होगा वही क्लीनिंग का पानी वहाँ पे भी यूज़ किया जा सकता है। आप अगर नीचे देखेंगे तो एक वहाँ पे डीजी लगा हुआ है, वो देखिए वो डीजी। यहाँ पे पावर कटिंग की एक बड़ी प्रॉब्लम्स है क्योंकि एक इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है वो रूरल एरिया में है और यहाँ पे दिन में 3 से 4 बार लाइट ऑफ होता है, लाइट की कटिंग रहती है, पावर शटिंग रहता है, तो उस पावर कटिंग को बचाने के लिए हमने एक विशेष पैनल डिजाइन किया। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सुपर इंजीनियर हैं इस प्लांट के मिस्टर दिनेश जाकर, जिन्होंने वो डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल जो है वो डिज़ाइन किया और उस पैनल की विशेषता ये है कि जब आपका प्लांट पावर कट होगा तो भी ये प्लांट डीजी सिस्टम को सपोर्ट करेगा और उसके दौरान जो डीजी सिस्टम आपका डीजल यूज़ कर रहा था उस डीजल के कंजप्शन में मोर अलाउन 70% तक का रिडक्शन आएगा। सपोज़ करिए कि अभी इनका मंथली कंजप्शन 1000 लीटर डीजल का अगर हो रहा है तो इनका 700 लीटर तक का कंजप्शन डीजल का कंजप्शन जो वो कम हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 से 60,000 पर मंथ इनको एक्सेस बचत इस प्लांट के दौरान मिलेगी। वो प्लांट जो है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट इस एरिया में लगा है और बहुत दूर तक आप देखेंगे तो बहुत ही ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है जो बिल्कुल जोधपुर के लिए जाता है, बीकानेर जोधपुर नेशनल हाईवे है ये, आगे अहमदाबाद तक ये रोड जाती है और दूर रोड से भी जब आप आते हैं तो ये प्लांट पूरा नज़र आता है बिल्कुल अपने, जैसा कि हम अक्सर अब कहा करते हैं कि बुल पावर के बुल की तरह ये प्लांट नज़र आता है दूर से। सो दिस इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ दिस प्लांट।
सर एक दो चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि हमने अभी जैसे क्वालिटी की बात कर ली, हमने सारी चीज़ों की बात कर ली, क्लाइंट एक रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, वो ग्रीनरी को समझते हैं और वाटर रिसोर्सेज को चीज़ को समझते हैं, इन सब के साथ साथ क्लाइंट को और बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट जिसको बोलते हैं अपन, बिजली में बचत जिसको बोलते हैं, जनरेशन की बचत। हम लोग कहते हैं कि हमारा जो प्लांट है वो 125 यूनिट्स पर किलोवाट की जनरेशन देता है, तो मोरलन हमारा एक किलोवाट का जो प्लांट है वो 1000 यूनिट की, 1000 रुपए की बचत जो है वो मंथली देता है। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हमें देखने को मिला कि ये पूरा खुला एरिया है, धूप यहाँ पे पूरी आती है, तो प्लांट का जो जनरेशन वो स्लाइटली हायर है अपेक्षाकृत दूसरी जगह से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 130-135 यूनिट्स का एवरेज जनरेशन जो है वो ईयरली बेसिस पे हमारे को यहाँ पे मिल सकता है, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो चूंकि 120 किलोवाट्स का प्लांट है तो यहाँ पे मोरलॉन 125,000 से 130,000 के आसपास पर मंथ बिजली की बचत इस प्लांट में होने वाली है। जी सर, और सर जैसे कि आपने बताया डीजल से भी 50,000 रुपए 60,000 रुपए के वो एक्सेस बचत, जैसे मैंने आपको वो बोनस तो, वो एक एज ए बोनस दोनों को कॉम्बाइन करें तो इस प्लांट के थ्रू बाकायदा 170,000-175,000 के आसपास मंथली सेविंग होने वाली है, और ये प्लांट अपना बीपी 3.5 साल से पहले ही पूरा कर लेगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। सो दिस इज अ रियली वेरी गुड प्लांट और बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा हमारा ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। थोड़ा सा हम आपके क्लाइंट के बारे में भी जानना चाहेंगे, उनका क्या रिव्यू है, क्या आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने जब आपको जब ऑर्डर दिया तो उन्होंने क्या क्या चीजें ऐसी थी जो आपसे जानना बताना चाहूंगा आपको कि ये प्लांट जो लगा है वो यहाँ के जो वुलन मार्केट के जो टॉप इंडस्ट्रियल है मिस्टर मनीष सिपानी, जिनका वुलंस का काफी बड़ा एम्प्लॉयर है यहाँ पे, और बीकानेर चूंकि अपने आप में ऊन की मंडी कही जाती है, और उस ऊन मंडी के यानी कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी के जो सबसे बड़े कारोबारी में से एक मनीष सिपानी जी के ये फैक्ट्री पे प्लांट लगा है। और इस प्लांट की ये खूबसूरती है कि ये प्लांट लगाने से पहले उन्होंने तमाम प्रोसेस प्रोसीजर्स पे ध्यान दिया, इसकी पूरी SWOT एनालिसिस उन्होंने करी, और वो पूरा करने के बाद में उनके पास में बहुत सारी बड़ी कंपनियां आई, बाहर से भी कंपनियां आई, उन्होंने वो सारे सर्वे किए, उन्होंने सब चीज़ें देखी, लेकिन जब उन्होंने हमारे प्रीवियसली इंस्टॉल कुछ प्लांट देखे तो उनको लगा कि पैरामीटर्स पे, सेफ्टी पैरामीटर्स पे, लोकेशन बेस पे, काम करने की स्टाइल में, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखने के उद्देश्य से जो प्लांट हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे वो सारी खूबियाँ एक छत के नीचे अगर कहीं मिल पाती थी तो वो एकमात्र ब्रांड था बीकानेर का, बुल पावर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। और उसी सब चीज़ों को ध्यान में रखे उन्होंने ये प्लांट लगाया, और इनका कहना है कि अगर आपको इस प्लांट के माध्यम से अगर उनको बहुत अच्छे रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी कम से कम 6 इंडस्ट्रीज और हैं जहाँ पे वो हमारे थ्रू ऐसे प्लांट्स और लगाने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 2 मेगावाट तक का उनका इंस्टॉलेशन जो है वो टोटल हमारे माध्यम से होने वाला है। एक मैं आपको और बताऊंगा कि हमने उनकी हर आकांक्षाओं पे क्या है कि खरा उतरने की कोशिश करें, उनकी जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी तो हमने उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, बिकॉज क्या होता है कस्टमर जो होता है वो कॉस्ट देने के लिए रेडी होता है लेकिन आप उसको परेशान करेंगे तो वो परेशान नहीं होना चाहता है। जैसे उनको कुछ चीज़ों पे, जैसे उनको स्ट्रक्चर पे कुछ चेंजिंग करवानी थी, उनको जैसे नीचे पूरा कैनोपीज वगैरह बनवानी थी, उनको वॉकवेज बनवाने थे, उनको गेट बनवाने थे, उनको जैसे स्टेयर्स बनवानी थी, तो वो सब चीज़ें हमने अपने स्कोप में लेके पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करी। जी सर,